हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के डिफरेंट एडिशंस पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन क्या होती है। देन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन इज़ अ बुक रिटन बाय मास्टर सैमुअल हैनीमैन। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन लिखा किसने है, ठीक है? तो आप पहले इस डेफिनेशन में बताओगे कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन बेसिकली है क्या, बुक है एक, लिखा किसने है उसे, मास्टर सैमुअल हैनीमैन ने लिखा है, और उसमें है क्या कंटेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी अलोंग विद द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रेवलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। देखिए, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन सबसे पहले तो एक बुक है। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एक बुक है जिसे हमारे सैमुअल हैनीमैन सर ने लिखा है, और इस बुक में हमें प्रिंसिपल्स दे रखे होते हैं, रूल्स दे रखे होते हैं हमें होम्योपैथी के, ठीक है? और हमें क्रिटिकल एनालिसिस भी दे रखा होता है। और हमको जैसे एक तो हमारे पास होम्योपैथी हो गई, उसके बारे में सब रूल्स वगैरह हो गए, क्रिटिकल एनालिसिस हो गए। देन उसके बाद उस टाइम में सैमुअल हैनीमैन सर के टाइम में जो भी मेथड्स चलते थे ट्रीटमेंट के, तो हमें उनके बारे में भी जानकारी मिलती है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, ठीक है? उसके बाद इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हैनीमैन फॉर राइटिंग ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन वॉज टू प्रेजेंट मेडिकल प्रोफेशन द डॉक्ट्राइंस मेरिट्स एंड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी इन लॉजिकल एंड एलैबोरेट वे। देखिए, तो सैमुअल हैनीमैन सर ने ये जो बुक लिखी थी, इसका अपना एक एम था कि उन्होंने लिखी, कि उसका उसके पीछे एक एम था उनका कि उन्हें एक तो सबसे पहले कुछ रूल्स लिखने थे, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स लिखने थे जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ मेरिट्स लिखे, ठीक है, होम्योपैथी के जो मेरिट्स हैं वो सब चीज़ें लिखी। देन उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन लिखे। सबसे पहले तो उन्होंने रूल्स लिख दिए, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या लिख दिए, डॉक्ट्राइंस लिख दिए, रूल्स लिख दिए, ठीक है, होम्योपैथी के। उसके बाद उन्होंने मेरिट्स लिख लिए कि इनका फ़ायदा क्या क्या है। देन उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन लिखे कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है अपनी होम्योपैथी की प्रैक्टिस में, और इन्होंने इसको लॉजिकल और एलैबोरेट वे में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में डिस्क्राइब कर रखा है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से हैनीमैन सर ने इसमें सब अफोरिज्म्स लिखे हैं, ठीक है। He also criticized the other prevailing system of medicine and established the superiority of homeopathy. फिर उन्होंने हमें ये भी बताया है कि हमारा जो पैथी है होम्योपैथी, वो कैसे बहुत सुपीरियर है बाकी सारी पैथी से। देखें क्या होता था कि उस टाइम पे जब हैनीमैन सर का टाइम था, उस टाइम पे एलोपैथी इतनी एडवांस नहीं थी, ठीक है, तो उनको जो एलोपैथी वाले थे उनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी, ठीक है, ना इतनी रिसर्च हो रखी थी तब। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका खून निकाल लिया, ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे क्रूअल मेथड्स प्रैक्टिस होते थे, ठीक है। और उस अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी, उन्होंने हैनीमैन सर ने बताया है कि होम्योपैथी कैसे सुपीरियर है, ठीक है, इसमें पेशेंट को कोई भी दर्द नहीं दिया था, खाली मीठी गोलियां खानी है या आपको वो जो भी दवाई देंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में देंगे तो वो भी कोई कड़वी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इजीली पेशेंट को बिना दर्द दिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एक तरफ जहाँ एलोपैथी इतना ज़्यादा क्रूअल टाइप का ट्रीटमेंट करती थी, एक तो पेशेंट ऑलरेडी परेशान होता था, उसको और परेशान करती थी, वहीं हमारी होम्योपैथी कैसे सुपीरियर है, कैसे वो फ्रेंडली वे में पेशेंट को ठीक करती है, ठीक है। देन टाइटल की बात करते हैं, तो जो जो फर्स्ट एडिशन का, इसका जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है उसका जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, ठीक है, उसका टाइटल था ऑर्गेनॉन डी रेशनलेथन, ठीक है, हील कंडे, ठीक है। ये इसका क्या मतलब होता है, ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिसिन मेडिकल साइंस।
तो ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है और इसको टेस्ट एग्जाम में लिख के आना है। देन उसके बाद इसका मीनिंग याद रखना है कि इसका मीनिंग होता है ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस, ठीक है। बट फ्रॉम द सेकेंड एडिशन ऑनवर्ड्स टू द फिफ्थ वन द टाइटल वॉज चेंज टू ऑर्गेनन देयर हेलकंट्स विच मीन्स ऑर्गेनॉन ऑफ हीलिंग आर्ट। देखिए पहले जो फर्स्ट एडिशन था ना, फर्स्ट एडिशन में इसका नाम था ऑर्गेनॉन डेल देयर रेशनलेथन हेलकंडे, ठीक है, जिसका मतलब था ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस। बट उसके बाद हम जब जैसे सेकेंड एडिशन आया, तो सेकेंड से फिफ्थ एडिशन तक इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया ऑर्गेनॉन ऑर्गेनॉन देर हीलकंड्स, मतलब क्या होता है इसका, ऑर्गेनॉन ऑफ हीलिंग आर्ट, ठीक है। द टाइटल ऑफ द सिक्स्थ एडिशन वॉज अगेन चेंज। देखिए सबसे पहले फर्स्ट का जो था, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट का आपको याद रखना है, देन सेकेंड टू फिफ्थ तक जो आपका ऑर्गेनॉन ऑर्गेनॉन देर हीलकंड्स चला वो आपको याद रखना है। उसके बाद सिक्स्थ एडिशन में फिर से चेंज हुआ, ठीक है, फिर चेंज होके क्या हो गया, चेंज होके ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हो गया, वो आपको याद रखना है कि सिक्स्थ एडिशन का नाम क्या था। तो ये तीन एडिशन के, मतलब तीन एडिशन नहीं, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, फर्स्ट एडिशन का, टू टू फिफ्थ एडिशन का एंड सिक्स्थ एडिशन का। देन उसके बाद एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आर हगीज लिखा है, तो ये जो नाम दिया था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन सिक्स एडिशन का, वो आर हगीज ने दिया था, बाकी सारे हैनीमन सर ने दिए थे। देन उसके बाद एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हैनीमन पब्लिश 5 एडिशन ऑफ ऑर्गेनन। तो जब हैनीमन सर अलाइव थे तो उस टाइम तक उन्होंने 5 एडिशन जो थे वो पब्लिश कर दिए थे, ठीक है। देन फिफ्थ वन कौन सा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है, और सिक्स एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो हैनीमन सर की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, ठीक है। देन ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, द बुक हैज बिन अरेंज इन वेरी कंसाइज कंक्रीट बट थॉरो एंड एक्यूरेट मैनर इन सो मेनी अफोरिज्म। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कंसाइज है, आप अफोरिज्म वन आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे लिखेंगी बस दो लाइन लिखी हुई है, ठीक है, बट वो दो लाइन का इतना डीप मीनिंग है, उसमें हर एक वर्ड का इतना डीप मीनिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, कंसाइज छोटे वे में लिखी हैं बट ये कंक्रीट हैं और थोरो लिखी हैं, मतलब वहाँ पे हर अफोरिज्म हर वर्ड में का अपने आप में एक मतलब है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत शॉर्ट वे में बट डीप वे में सारी चीज़ों को समझा रखा है, एन एक्यूरेट मैनर इन सो मैनी अफोरिज्म्स, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी सारे अफोरिज्म, मतलब जो भी अफोरिज्म उन्होंने लिखे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे अफोरिज्म लिखे हुए हैं और उन सबको कंसाइज वे में और डीप वे में, ठीक है, एलाबोरेट वे में, ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं तो उनमें कोई कमी है, नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी कंसाइज और कंक्रीट मैनर में सब कुछ समझा रखा है। दो ईच सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन सेपरेटली बट देयर आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एक्सप्रेसिंग अ चेन ऑफ थॉट्स। देखें अफोरिज्म वन डिफरेंट है, देन अफोरिज्म टू डिफरेंट है, ठीक है। अफोरिज्म वन मिशन ऑफ फिजिशियन के बारे में, देन अफोरिज्म टू हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में, ठीक है, बट और अफोरिज्म थ्री नॉलेज ऑफ फिजिशियन के बारे में, ठीक है। बट हम देखते हैं कि सारे अपने आप में अलग हैं, सारे अफोरिज्म अपने आप में अलग हैं, अफोरिज्म वन अलग है, टू अलग है, थ्री अलग है, येट ये तीनों, मतलब जितने भी तीनों नहीं, जितने भी सारे अफोरिज्म हैं उनका अपने आप में एक रिलेशन है, ठीक है। तो वो उनका क्या है, अपना एक रिलेशन है, मतलब वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं, मीन्स एक सीरीज में है, ठीक है। Then some of the section are provided with footnotes which contain the explanation of the section to some extent and the name of author, book, journal, etc. whom he quoted in support of his statement. देखें जो कुछ कुछ aphorism में क्या दे रखा है, आपको footnote भी दे रखा है, जैसे aphorism 1 में भी आपको footnote दे रखा है, तो जिसमें
उस अफोरिज्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, और ऑथर का नेम प्रोवाइड करा गया है, बुक्स या कुछ जर्नल्स का नेम प्रोवाइड करा गया है, मतलब जिन जैसे कहीं से उन्होंने स्टेटमेंट्स लिए अफोरिज्म्स में, ठीक है, कहीं की उन्होंने कुछ जर्नल्स की या ऑथर्स की या बुक्स की कहीं से अगर उन्होंने हेल्प ली है या एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट्स ली हैं तो वो चीज़ उन्होंने अपने फुट नोट में बता रखी है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस, डॉक्टर कैंट सेज इन हिज लेक्चर्स, तो डॉक्टर कैंट अपने सर बताते हैं कि होम्योपैथी इज एप्लीकेबल टू एवरी क्योरेबल डिजीज बट द ग्रेट थिंग इज टू नो हाउ टू अप्लाई इट। देखिए होम्योपैथी बहुत जैसे कहते हैं ना, उसको आपको अप्लाई करना ना एक आर्ट है, ठीक है, होम्योपैथी को अप्लाई करना एक आर्ट है। होम्योपैथी से सारी क्योरेबल डिजीज ठीक हो सकती हैं, ठीक है, जहाँ पर टिश्यू की डेथ ना हुई हो, ठीक है, तो वो क्योरेबल डिजीज़ हम कह सकते हैं, ऐसी डिजीज़ जो क्योर हो सकती हैं। तो हम होम्योपैथी को सारी क्योरेबल डिजीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हमें ये आना चाहिए कि उसको अप्लाई कैसे करना है। एक बार कोई पर्सन अप्लाई करना सीख गया होम्योपैथी को तो वो सारी डिजीज़ को बिना एलोपैथी की हेल्प से, सारी क्योरेबल डिजीज़ को बिना एलोपैथी की हेल्प से खुद सही कर सकता है और फास्टेस्ट वे में सही कर सकता है। ये नहीं स्लो प्रोसेस है, फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट वे में सही कर सकता है। ऑफ ऑर्गेनॉन हेल्प्स द फिजिशियन टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ होम्योपैथी इन ट्रीटिंग द सफरिंग ह्यूमैनिटी। देखिए तो हम ऑर्गेनॉन क्यों पढ़ते हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनॉन है वो फिजिशियन की हेल्प करता है नॉलेज अक्वायर करने, मतलब जो हमारा ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है वो फिजिशियन को नॉलेज अक्वायर करने में हेल्प करता है कि वो कैसे ठीक कर सकता है, जो पेशेंट आया है उसके पास वो सफ़र कर रहा है वो उसको कैसे ठीक कर सकता है। तो इस सब चीज़ की नॉलेज हमें कहाँ मिलती है, इस सब चीज़ की नॉलेज हमें ऑर्गेनॉन में मिलती है, ठीक है। देन डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एडिशन को देख लेते हैं, तो फर्स्ट एडिशन 1810 में पब्लिश हुआ था। देन द टाइटल ऑफ द बुक वॉज ऑर्गेनॉन देयर रेशनल एंड हिलकंडे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका मतलब होता है ऑर्गेनॉन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस। देन उसके बाद दिस एडिशन वॉज पब्लिश्ड व्हेन हैनीमैन रेजिडेंस वॉज इन टॉरगांव, तो उस टाइम पे हैनीमैन सर कहाँ रह रहे थे, टॉरगांव में रह रहे थे, ठीक है, और इसको पब्लिश करा था आर्नोल्ड ऑफ ड्रेसन ने, ठीक है, ड्रेसडन ने। तो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन 1810 में पब्लिश हुआ। ऑर्गेनॉन ऑफ रेशनल इन हेलकंडे इसका नाम था, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनॉन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद ये उस टाइम पे जो हैनीमैन सर थे वो टॉरगांव में रह रहे थे और पब्लिश इसे करा था आर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडन ने, ठीक है, जो उस टाइम के फेमस पब्लिशर थे। दिस पब्लिकेशन वॉज फाइनेंस्ड बाय अ ग्रेटफुल पेशेंट, तो जो भी उनके पास पेशेंट आते थे, जो उन्हें जो भी मनी लेके जाते थे, तो उसकी हेल्प से इसकी जो पब्लिकेशन का फाइनेंस था उसे हैनीमैन सर ने दिया था। देन द कंटेंट्स की बात करते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एडिशन कंटेन्स सम अनइंटेंशनल होम्योपैथिक क्योर्स मैंशनड इन कंटेम्प्ररी मेडिकल पब्लिकेटरी विथ फ्यू कॉमेंट्स, इट कंटेन्ड ओनली 271 अफोरिज्म्स। देखिए तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है, हमें इस फर्स्ट एडिशन के इंट्रोडक्शन में कुछ होम्योपैथिक क्योर देखने को मिलते हैं जो कि अनइंटेंशनल थे, ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना, हैनीमैन सर को पता भी नहीं था कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, उन्होंने दवाई दी और पेशेंट ठीक हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्योर थे इन कंटेम्प्रेरी एंड पब्लिकेशन विथ फ्यू कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद इस अफोरिज्म में हमें 271 अफोरिज्म्स देखने को, इस एडिशन में हमें 271 अफोरिज्म देखने को मिलते हैं। तो आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें अनइंटेंशनल होम्योपैथिक क्योर्स थे, उसके बाद आपको नंबर याद रखना है कि 271 अफोरिज्म्स थे, ठीक है। इट हैड नो टेबल ऑफ कंटेंट,
तो इसमें कंटेंट की कोई टेबल भी नहीं दे रखी थी. द टाइटल ऑफ द पेज ऑफ दिस एडिशन कंटेन्ड अ स्टैंजा ऑफ अ पोएम फ्रॉम गैलर्ट. तो इसमें क्या था, जो टाइटल पेज पे था उस पे एक पोएम दे रखी थी, ठीक है, जो जर्मन पोएट द्वारा लिखी गई. तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है ना कि वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ जो गैलर्ट थे, ठीक है, मतलब जो ये गैलर्ट थे, ठीक है, उनकी जो पोएम दे रखी है वो कौन से एडिशन में दे रखी है, ठीक है, या फिर कौन से पोएट की पोएम दे रखी है फर्स्ट एडिशन में. तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो इस जर्मन पोएम का दिया था वो आर ई डजन ने दिया था, ठीक है. तो हम जर्मन की जगह भी इंग्लिश वाला ही देख लेते हैं, ठीक है. आर ई डजन रेंडर्ड इट स्मॉलर विच इज एस फॉलोज. तो आर ई डजन ने क्या इसका स्मॉल वर्जन हमको दिया और इंग्लिश वर्जन दिया. द ट्रूथ वी मॉर्टल्स नीड अस ब्लास्ट टू मेक एंड कीप द ओल्ड वाइज स्लाइटली कवर्ड ओवर बट डिड नॉट बरी डीप. तो ये सेम स्टैंजा हम देखते हैं. वॉज अपियर्ड इन मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश इन द ईयर 1805. तो हमें ये सेम स्टैंजा मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में भी देखने को मिलता है जो 1805 में पब्लिश हुई थी, राइट. उसके बाद सी ई विलर ने फर्स्ट एडिशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. जो फर्स्ट एडिशन आया था ऑर्गेनन का, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था सी ई विलर ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है. उसके बाद सेकेंड एडिशन आया हमारे पास 1819 में, 9 साल बाद आया. तो जैसे मैंने आपको बताया था 2 to 5 एडिशन तक ऑर्गेनन डेल हेलकंट्स नाम हो गया था और इसका मतलब होता है ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट. द स्टैंजा ऑफ गैलर्ट पोएम अब 2 वर्ड से रिप्लेस हो गया था. तो जब हम सेकेंड एडिशन में आते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें गैलर्ट की पोएम नहीं दे रखी, रादर 2 वर्ड्स दे रखे हैं, ऑडी सपेरे विच रिमेंड इन ऑल सक्सीडिंग एक्शन एडिशन. अब जो बाकी के एडिशन आए 2 से लेकर 6 तक, बाकी सब में ये पोएम नहीं थी, खाली 2 वर्ड्स थे, ऑडी सपेरे, ठीक है. उसके बाद इसको पब्लिश करने किया था, तो इट वॉज पब्लिश एज एन ऑगमेंटेड एडिशन फ्रॉम लीपसिक. इसको ऑगमेंटेड एडिशन के तौर पे पब्लिश किया गया था लीपसिक के द्वारा, ठीक है, लीपसिक से, ठीक है. उसके बाद उस मतलब ये जो ऑगमेंटेड एडिशन के तौर पे पब्लिश किया था लीपसिक से पब्लिश किया गया था. देन कंटेंट्स की बात करते हैं, देखिए लीपसिक इज अ प्लेस, ओके. देन कंटेंट्स की बात करते हैं तो द एडिशन कंटेन्ड एज हाफ लेंथ एनग्रेविंग द हैनीमैन ड्रॉन बाय जंग एंड एनग्रेव बाय स्टॉल्जेल इन विच ही हैज़ बीन शोन सिटिंग विद पैन इन हैंड. तो इसमें क्या दे रखा है कि ये जो हमारा सेकेंड एडिशन है इसमें हैनीमैन सर का पिक्चर दे रखा है जिसमें कि उन्होंने अपना पेन ले रखा है अपने हाथ में. द इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कंटेन्ड इन ग्रेट क्रिटिसिज्म ऑफ एलोपैथी. तो आपको ये याद रखना है कि इस बुक में है क्या. एक तो ये पेन याद रखना है कि इसमें हैनीमैन सर ने अपने हाथ में पेन ले रखा है, ठीक है. और दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें एलोपैथी का क्रिटिसिज्म दे रखा है और इसमें 318 पैराग्राफ हैं, बट न्यूमरेशन गलत कर दी गई थी. आफ्टर जैसे 215 था, तो 215 के बाद 216-17 नहीं था, डायरेक्ट 219 दे रखा था. तो इस वजह से एक्चुअल नंबर 215 है, मिसप्रिंट मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूमरेशन रॉन्ग थी. एक्चुअल में 318 पैराग्राफ हैं, एक्चुअल में 315 पैराग्राफ हैं, बट मिसप्रिंटिंग की वजह से, न्यूमरेशन रॉन्ग होने की वजह से 318 दे रखे हैं. तो पर अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड एडिशन में कितने पैराग्राफ थे, तो आप 318 ही बताओगे, ठीक है. उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में कितने थे अगर न्यूमरेशन ठीक होता तो आप 315 बताओगे, राइट. देन ट्रांसलेशन की बात करते हैं. इट वॉज द फर्स्ट एवर ट्रांसलेटेड एडिशन ऑफ ऑर्गेनन फ्रॉम जर्मन टू फ्रेंच. ये पहला एडिशन था, तो सेकेंड एडिशन पहला एडिशन था जो जर्मन से फ्रेंच में ट्रांसलेट हुआ था और इसको
एरिस्ट जॉर्ज वॉन ब्यूटेनो ने ट्रांसलेट किया था और 1804 में इसको ट्रांसलेट किया गया था। तो एरिस्ट जॉर्ज वॉट ब्यूटेनो, ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट किया था और जर्मन से फ्रेंच में किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉरिज्म था, तो आप कहोगे जी सेकंड एडिशन था, फॉरिज्म नहीं सेकंड एडिशन था, जो फर्स्ट टाइम जर्मन से फ्रेंच में ट्रांसलेट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड एडिशन की तरफ बढ़ते हो, तो थर्ड एडिशन 1824 में पब्लिश हुआ, तो नेम और पेज तो नेम और टाइटल तो अनचेंज रहा, ठीक है। उसके बाद इट वॉज पब्लिश्ड एज एन इम्प्रूव्ड एडिशन, तो इसको उन्होंने एक इम्प्रूव्ड एडिशन के तौर पे पब्लिश करा था। दिस एडिशन वॉज पब्लिश्ड व्हेन हैनीमैन वॉज इन कोइथन, तो जब हैनीमैन सर कोइथन में थे तब यह एडिशन पब्लिश किया गया था। इसमें 320 पैराग्राफ्स हैं, बट रॉन्ग न्यूमरेशन की वजह से, बट रॉन्ग न्यूमरेशन इसमें भी कंटिन्यू रहा था और एक्चुअल में 317 है, ठीक है। देन फोर्थ एडिशन 1829 में पब्लिश हुआ, नेम और टाइटल अनचेंज रहे। देन पब्लिकेशन इट वॉज पब्लिश एज एन ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव एडिशन, देखिए सेकेंड एडिशन ऑगमेंटेड एडिशन था, ठीक है। उसके बाद थर्ड एडिशन आया, वो इम्प्रूव्ड एडिशन था। अब जो फोर्थ एडिशन है वो ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड दोनों है, तो ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन है, ठीक है। तो इसको एज ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन पब्लिश करा गया और 1829 में पब्लिश करा गया कोइथन से, ठीक है। उसके बाद कंटेंट्स की बात करते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ चेंज्ड हो रखे थे, काफ़ी सारे गायब हो रखे थे, ओमिटेड थे। इट कंटेन 292 अफोरिज्म्स, तो इसमें कितने अफोरिज्म थे, 292 अफोरिज्म थे। द थियोरी ऑफ क्रोनिक डिजीज वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन, तो आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। तो थियोरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुई वो फोर्थ एडिशन में हुई थी, ठीक है। तो थियोरी ऑफ क्रोनिक डिजीज फर्स्ट टाइम आपका फोर्थ एडिशन में इंट्रोड्यूस हुई थी। द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनॉन वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन दिस एडिशन, और इसी एडिशन में इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनॉन फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलता है। देन ट्रांसलेशन, तो इसको चार्ल्स एच डेवरेंट ने ट्रांसलेट करा था इंग्लिश में 1833 में, बीइंग द फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्गेनॉन, ठीक है। तो इस ये जो था ये फर्स्ट ट्रांसलेशन था, मतलब इससे पहले कोई भी ट्रांसलेट नहीं हुआ था, ठीक है, इंग्लिश में यही पहला था जो ट्रांसलेट हुआ था 1833 में। अब आप कहोगे कि जी आपने सी ई व्हीलर के बारे में पढ़ाया था कि सी ई व्हीलर ने अफोरिज्म वन ट्रांसलेट करा है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 1913 में ट्रांसलेट करा था फर्स्ट एडिशन को, जबकि जो हमारे चार्ल्स एच डेवरेंट थे उन्होंने 1833 में ही ट्रांसलेट करा था। तो 1833 में पहले ट्रांसलेट हुआ गया था इंग्लिश में, वो फोर्थ अफोरिज्म, वो फोर्थ एडिशन था, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एडिशन में एडिशन जो हुआ था पब्लिश, वो 1833 में हुआ था, टाइटल सब सेम था। पब्लिकेशन ये जो था, दिस लास्ट एडिशन वॉज पब्लिश ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मास्टर इन द ईयर 1833, तो इसको भी हमने कोइथन से ही, हैनीमैन सर ने इसको भी कोइथन से ही पब्लिश करा था, ठीक है। और ये तभी पब्लिश हो गया था जब हैनीमैन सर अलाइव थे, ठीक है। उसके बाद इसमें 294 अफोरिज्म दे रखे हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स है एंड ड्रग डायनामाइजेशन, वो पहली बार आपका फिफ्थ एडिशन में देखने को मिलता है। आई रिपीट, द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एडिशन फिफ्थ, ठीक है। तो कौन किस में इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, फिफ्थ एडिशन में, ठीक है। उसके बाद दिस एडिशन इज़ द मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल एडिशन, ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है
और इसको काफ़ी सारे होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन में टेक्स्ट बुक की तरह, ऑर्गेनन की टेक्स्ट बुक की तरह अफोरिज्म एडिशन 5 को ही यूज़ कर जाता है। ठीक है, तो एडिशन 5 को हम काफ़ी सारे होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट बुक की तरह यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे कंबाइन एडिशन यूज़ करते हैं 5th और 6th का। ठीक है, उसके बाद 6th एडिशन आपका 1921 में पब्लिश हुआ। देखो कितना गैप है ना, कितना लेट पब्लिश हुआ। तो 1st एडिशन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुका था, उसके बाद 1921 में ही पब्लिश हुआ था। द नेम एंड द टाइटल पेज वर टू वर सेम एज बिफोर। ठीक है, तो नेम भी सेम था, टाइटल पेज भी सेम थे। ठीक है, उसके बाद इट वॉज कम्प्लीटेड इन फरवरी 1842। ये कब कम्प्लीट हुआ? फरवरी 1842 में कम्प्लीट हुआ, पेरिस में कम्प्लीट हुआ था ये। बट अनफॉर्चुनेटली हेनीमैन सर जो थे उनकी डेथ हो गई थी 2 जुलाई 1843 में, तो ये पब्लिश नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर इट वॉज पब्लिश्ड बाय जर्मन लैंग्वेज बाय रिचर्ड हे। तो उसके बाद इसे जर्मन लैंग्वेज में रिचर्ड हे ने 1921 में पब्लिश करा था, 78 ईयर्स आफ्टर हेनीमैन्स डेथ। तो हेनीमैन सर की डेथ के 78 ईयर्स बाद रिचर्ड हेई ने इसको जर्मन लैंग्वेज में 1921 में पब्लिश करवाया। सून आफ्टर इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय विलियम बोरिक वॉज अपेयर्ड, और इसका उसके बाद विलियम बोरिक का इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गया। ठीक है, तो कंटेंट की बात करते हैं, तो इसमें 291 सेक्शंस हैं, 291 अफोरिज्म है। पहले में 294 थे, 5th वाले में इसमें रिड्यूस हो गए। दिस एडिशन गिव राइज टू ग्रेट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करी इसने बिकॉज ऑफ इट्स थ्योरी ऑफ रिपीटिशन ऑफ ड्रग्स। तो इसमें क्यों कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई? क्योंकि इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, द थ्योरी ऑफ रिपीटिशन ऑफ ड्रग्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार इसमें चेंजेस करे गए, ऑल्ट्रेशन करे गए। ठीक है, बोले कि ये जो थ्योरी ऑफ रिपीटिशन ड्रग है ये हेनीमैन सर के द्वारा नहीं लिखी हुई, ऐसा लोग कहते हैं। बट इसमें 291 सेक्शन है, बट मोस्ट जो परफेक्ट एडिशन है वो 5th एडिशन को ही माना गया। तो ये टेबल है जिससे आप इजीली रिवाइज कर सकें सब ऑर्गेनन के ईयर और टाइटल वगैरह को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।